नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। हाथरस में हुए मौत के सत्संग में बिखर गई लाशें, पुलिस के द्वारा दर्ज FIR में भोले बाबा का नाम नहीं, जाने क्यों। मुख्य आयोजक देव प्रकाश माथुर पर इन धाराओं में FIR दर्ज। 80,000 की अनुमति थी पर 2.5 लाख लोग जुट गए। खुफिया तंत्र ने पहले ही कर दिया था आगाह। CM योगी आदित्यनाथ पहुँचे हाथरस। खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से। हाथरस में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। जिले के फुलराई गांव में भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान समापन के बाद अचानक भगदड़ मच गई। कार्यक्रम में शामिल होने आए 134 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 121 लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं। सैकड़ों भक्त भीषण गर्मी से बेहोश हो गए। आज CM योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे हाथरस पहुँचे। वह यहाँ घायलों से बातचीत कर रहे हैं। हाथरस प्रवचन समारोह में मुख्य आयोजक देव प्रकाश माथुर पर पुलिस ने BNS सेक्शन 105, 110, 126, 223, 238 में FIR हुई। बाबा अंडरग्राउंड है। मैनपुरी में पुलिस ने उनका आश्रम घेर लिया है। मैनपुरी हाईवे पर उनका दफ्तर है। बताया जा रहा है कि इसी दफ्तर में बाबा छिपे हुए हैं। 2 जुलाई को देर रात पुलिस ने बाबा के दफ्तर को घेर लिया है। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में हादसे को लेकर पुलिस के खुफिया तंत्र ने पहले ही आगाह कर दिया था। NIU ने अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट में 2.25 लाख से अधिक भीड़ जुटने की बात कही थी। रिपोर्ट में अधिक भीड़ होने पर हादसा होने का भी आशंका जताया गया, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मंगलवार को सिकंदरा राव में होने वाले भोले बाबा के सत्संग को लेकर पुलिस के खुफिया तंत्र ने अपनी रिपोर्ट सत्संग से पहले ही तैयार की थी, जिसमें यह कहा गया था कि सत्संग में 2.25 लाख से अधिक भीड़ जुटेगी। यहां पर NIU ने अप्रिय घटना होने की आशंका भी रिपोर्ट में व्यक्त की थी, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों ने सत्संग में जुटने वाली भीड़ की बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसका परिणाम सामने आ गया। सत्संग समापन के बाद हुई भगदड़ में 120 से भी अधिक जान चली गई। अगर समय रहते अधिकारी खुफिया तंत्र की रिपोर्ट पर ध्यान देते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हाथरस में प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन करीब 2.5 लाख लोग जुटे थे। इतनी भीड़ के लिए मात्र 40 पुलिस कर्मी और 2 एम्बुलेंस तैनात की गई थी। फायर ब्रिगेड का कोई दस्ता नहीं था। हादसा होने के 2.75 घंटे बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोगों ने किसी तरह घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यहां अस्पताल में पहुंचने के बाद लापरवाही दिखाई दी, इससे लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। पुलिस के दर्ज FIR में तो भोले बाबा का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन खबर आ रही कि हाथरस कांड के आरोपी बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को पुलिस ने मैनपुरी में हाउस अरेस्ट कर लिया है। रात्रि 2 बजे से भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। आश्रम की गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।